फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डीएनसी से पहले क्या खाएं और डीएनसी के बाद में क्या खाएं, जिससे कि आपको डीएनसी प्रोसीजर के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो और उसके बाद भी आपको कोई तकलीफ ना हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका डीएनसी प्रोसेस है, जब आपका डॉक्टर आपको बोल देता है कि अब आपकी डीएनसी होगी, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि हमको एनेस्थीसिया का यूज़ करना होता है। और एनेस्थीसिया का जब यूज़ किया जाता है तो आपका स्टमक एम्प्टी होना चाहिए, 5 to 6 आवर्स की फास्टिंग होनी चाहिए, मतलब इतने ड्यूरेशन में आपने कुछ खाया पिया नहीं होना चाहिए। तो हम कैसे उस पूरे दिन को प्लान आउट करें कि चीज़ें ठीक तरह से हों? तो देखिए, आप जब सोकर उठें उस टाइम पर, मान लीजिए कि समय हुआ है 7:30-8 बजे, तो तब आप कुछ हल्का फुल्का ले लीजिए, फ्रेश हो जाइए और कुछ हल्का फुल्का खा लीजिए। जैसे कि आप खा सकती हैं टोस्ट ले सकती हैं, आप 2 बिस्किट ले सकती हैं, और आप बेसिकली थोड़ा बहुत पोहा ले सकती हैं, उपमा ले सकती हैं, बहुत लाइट सी चीज़ें, और 1 कप चाय आप ले सकती हैं। अब आपको कुछ नहीं खाना है। कितनी देर तक? अब बेसिकली आपको कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि अब यहाँ से लेकर आपको 5 से 6 घंटे की फास्टिंग करनी है। तो मान लीजिए आपने 7:30-8 बजे अपना ये ब्रेकफास्ट किया है, तो अब आपको कुछ नहीं खाना है। तो इससे अगर हम हिसाब लगाएं तो 12 बजे के आसपास या 11-12 बजे के आसपास डॉक्टर क्या करेंगे कि आपको सर्विक्स में एक दवाई डालेंगे, जिससे क्या होता है कि सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है, डायलेट हो जाता है, खुल जाता है थोड़ा, तो वो दवाई डालेंगे। वो जो प्रोसेस है सर्विक्स का, दवाई डलने से और प्रोसीजर होने तक, डीएनसी होने के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस ऑलमोस्ट रहता है, 1.5 से 2 घंटे लगते हैं उस सर्विक्स को सॉफ्ट होके ओपन होने में। तो अगर हम टोटल करें, मान लीजिए 8 बजे से, तो अगर आपने 8 बजे ब्रेकफास्ट किया है और तो आपके डॉक्टर 12 बजे अगर आपकी वो दवाई डाल रहे हैं, तो उसके बाद 2 बजे के आसपास आपका वो प्रोसेस होगा डीएनसी का प्रोसेस, तो तभी आपको बेहोशी दी जाएगी। तो इसलिए इतना ड्यूरेशन है आपके पास कि 5 to 6 आवर्स की आपकी फास्टिंग है। अगर फास्टिंग नहीं होती है तो एनेस्थीसिया की दवाई है जब वो आपको दी जाती है, तो उस टाइम पर आपके प्रोसेस में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जो बहुत बहुत रिस्की हो सकती है आपकी लाइफ के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 to 6 आवर्स की फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको वो किस तरह से करनी है वो भी मैंने बता दिया है। क्या चीज़ है जो उससे पहले आप खा सकते हैं वो हमने बता दिया है। अब आपका प्रोसीजर हो गया है, प्रोसीजर के बाद आप रिकवरी रूम में आ गई हैं, वहाँ पर आपको 2 से 3 घंटे रखा जाएगा। डिस्चार्ज से पहले डॉक्टर डेफिनेटली आपको एक चाय और या 1-2 बिस्किट खिलाएंगे, ये देखने के लिए कि ऐसा तो नहीं है उल्टी वगैरह हो गई है, क्योंकि अगर उल्टी होगी तो डॉक्टर उसकी दवाई भी आपको देंगे। उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, आप अपने घर चली जाएंगी। अब घर जाने के बाद क्या चीजें हैं कि आप खाएं? तो देखिए, क्योंकि एनेस्थीसिया लगा था, आपको एनेस्थीसिया दिया गया था, तो बॉडी को इस टाइम आपको ऐसी चीजें खानी है जो लाइट हो। अगर आप लाइट चीजें नहीं खाएंगी तो, क्योंकि जो एब्डोमिनल मसल्स है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो अभी एकदम से रिकवर नहीं हुआ है, उसके ऊपर कुछ एनेस्थीसिया का इफेक्ट भी है, तो उससे क्या होगा कि आपको उल्टी हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि हल्की चीज़ें खानी है। अब हल्की चीज़ों में आप क्या खा सकते हैं? आप खिचड़ी खा सकते हैं, अगर आप चाहें तो चीला वगैरह बिल्कुल बिना ऑयल का बना के खा सकते हैं। आप दाल का पानी ले सकते हैं और उसके अंदर एक टुकड़ा, मतलब रोटी का तोड़ सकते हैं। उसके अलावा आप सूप बना के पी सकते हैं। तो इस तरह की जो लाइट चीज़ें हैं वो आप आज रात को खा सकते हैं, क्योंकि आपका दोपहर में प्रोसेस हुआ है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग से आपको क्या चीज़ें खानी है उसके ऊपर डिटेल वीडियो है कि अगर आपका एबॉर्शन हुआ है, अगर आपकी डीएनसी हुई है या किसी भी फॉर्म में मिसकैरेज अबॉर्शन हुआ है, तो उसके बाद आपको कौन सी डाइट लेनी है वो भी वीडियो है, और कौन सी डाइट आपको बिल्कुल नहीं खानी है, कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है जो आपकी हीलिंग को प्रॉब्लम कर सकती हैं, ठीक से नहीं होने देंगी, वो वीडियो भी है। तो ये आप दोनों वीडियो देखें। तो आज की जो वीडियो है उसमें हमने जान लिया है कि जब आपकी डीएनसी की विजिट है तो उससे पहले आपको क्या खाना है, किस तरह प्रोसेस होगा, और उसके बाद आपको क्या खाना है ये हम जान गए हैं। और 24 घंटे के बाद, मतलब आज से अगले दिन से, आज अगर पूरा डीएनसी हुआ है, नेक्स्ट डे से आपको क्या खाना है उनकी वीडियो का मैं लिंक लगा दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, क्योंकि मुझे कुछ क्वेरीज आई थी कि मैम हम डीएनसी वाले दिन क्या खाएं या डीएनसी के बाद क्या खाएं। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि जिस दिन डीएनसी हुई है उस दिन आपको क्या खाना है, पहले और बाद में, और उसके बाद आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच।